हेलो एवरीवन स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर देखिए फिर से लेकर आया हूँ मैं आज एक बहुत ही बेहतरीन सा सेट जो कि बी का हमारा प्रीवियस ईयर सेट है जो आया हुआ है क्वेश्चन 25 बारह 2020 में फ्रेंड्स आया हुआ है ठीक है तो लास्ट वीडियो में मैंने ये सेट का सेट नंबर टेन है हमारा ये और ये सेट का मैंने पचहत्तर क्वेश्चन करवा दिया था और आज बाकी का पचहत्तर क्वेश्चन आज मैं करवाने वाला हूँ पूरे कम्प्लीट ठीक है तो जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंचे और आप लोग की तैयारी और अच्छे से चलती रहे तो आइए हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और सेवेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आप लोग को बताना है उससे पहले मैं आप भी और कुछ बता दूँ आप लोग को अगर आप इस वीडियो का पी चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा इंग्लिश वाला राज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है ठीक है वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से इसका रिलेशन इसके साथ है उसी प्रकार से आपका ऑप्शन में रिलेशन किसके साथ होगा ठीक है तो देख सकते हैं कि एक दो तीन चार में लेकिन इसका रिलेशन इससे नहीं हो सकता है ये नहीं ये नहीं ये नहीं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा फ्रेंड्स ठीक है क्योंकि सेम सेम रिलेशन बना रहा है नेक्स्ट सेवेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है ठीक है तो जैसे कि अगर मैं इधर से बैक करूँ पंद्रह और एक सोलह सोलह और एक सत्रह तो यहाँ पे अगर मैं चौदह रखूँ तो चौदह और एक पंद्रह इस तरीके से हम लोग रिलेशन बना सकते हैं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा दो मोबाइल फ़ोन में प्रत्येक को पैंतालीस सौ में बेचने पर एक एक पर छः परसेंट का लाभ हो रहा है दूसरे पर छः परसेंट की हानि हो रही है तो पूरे लेन देन में क्या होगी तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक ट्रिक है आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कभी भी अगर कभी भी हमारा विक्रय मूल्य समान हो ठीक है और परसेंटेज जो लाभ और हानि जो देगा हमारा इस केस में हमेशा हमारा हम लोग को क्या होता है हानि होता है और इसका फॉर्मूला एक ट्रिक होता है एक्स स्क्वायर बाई हंड्रेड ठीक है और एक्स मानेंगे हम लोग इसको तो कितना है छः तो छः छे का स्क्वायर कितना हो गया छत्तीस और छत्तीस का बटा सौ इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री सिक्स तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट ठीक है इतना की हानि होगी हमेशा ठीक नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग सेवेंटी एट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये आकृति ये चार ऑप्शन में किस में छिपी हुई है तो देखिए फर्स्ट नंबर सवाल आप लोग अगर अच्छे से देखें यही इसका आंसर भी है तो ये देखिए फर्स्ट नंबर में अच्छा से देखिएगा तो आप लोग का इस प्रकार से दिखा हुआ मिला हुआ दिखेगा आपको ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सेवनटी नाइन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से ए का बी से रिलेशन है बी का सी से और सी का ई e से और ई e का एच से तो यहाँ पर रिलेशन क्या होगा तो सबसे पहले ए का अगर वैल्यू देखें तो एक होता है और बी का वैल्यू देखें दो होता है तो दो और एक अगर हम लोग जोड़ें तो कितना हो जाएगा तीन ठीक है फ्रेंड्स और तीन नंबर पर आता है हमारा सी तो उसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो ई का वैल्यू कितना होता है पाँच और एच का वैल्यू कितना होता है आठ तो आठ और पाँच का अगर हम लोग जोड़ेंगे कितना आ जाएगा थर्टीन ठीक है और थर्टीन आ गया थर्टीन नंबर पे क्या आता है एम तो यहाँ पे क्या होगा एम होगा ठीक है और तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट क्लियर है नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर कहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल फल सैंतीस है उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा दो संख्याओं का गुणनफल तो एक संख्या एक्स ले लिए हम लोग और गुना एक संख्या वाई ले लिए दोनों का कितना दिया हुआ है सैंतीस दिया हुआ है ठीक है तो ले लीजिए एक को ले लीजिए आप लोग सैंतीस और इसका ले लीजिए वन दोनों का गुणनफल आ गया सैंतीस ठीक है अब बोला है, उन संख्याओं के अंतर अब देखिए दोनों संख्या को अंतर ले लीजिए तो सैंतीस और माइनस वन अंतर हो गया और उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा छत्तीस का वर्गमूल मतलब छः ऑप्शन छः आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट ठीक है नेक्स्ट सवाल इक्यासी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हिमा दास जिन्होंने 2019 के कलांडो चेक रिपब्लिकन में स्वर्ण पदक जीता वो संबंधित है किससे तो हिमा दास को आप लोग ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं तो ये कौन है एक एथलीट्स है ठीक है तो एथलेटिक्स है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ये धावक है ठीक है नेक्स्ट सवाल एटी टू नंबर तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं जो प्रत्येक पाँच से विभाजित है और योग दो सौ पच्चीस है तो उनमें से बड़ी संख्या को आपको निकालना है तो बिरासी नंबर सवाल बहुत ही आसान सा बोला तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या तो ले लेते हैं हम लोग जो पाँच विभाजित है तो एक पहले प्राकृतिक संख्या ले लिए एक एक्स एक एक्स एक प्लस वन और एक हो जाएगा हमारा एक्स प्लस टू यह तीन संख्या हो गया प्राकृतिक अब बोला है तीनों पाँच से विभाजित है तो पाँच से इसको भी गुना कर दीजिए पाँच को इससे भी गुना कीजिए और पाँच को हम लोग इससे भी गुना कीजिए क्लियर है का योग दो सौ पच्चीस है अब सबको आपस में ऐड कर दीजिए और बराबर कर दीजिए दो सौ पच्चीस के फ्रेंड्स ठीक है ये रिलेशन बन गया अब यहाँ से एक्स का वैल्यू जो आपका निकलेगा ठीक है एक्स का वैल्यू जो निकलेगा आपका उसमें हम लोग को जो भी वैल्यू पूछ रहा है उसका आप लोग निकाल लेंगे तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका चौदह ठीक है और क्या पूछा है इसमें उनमें सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या है एक्स प्लस टू इस पर हम लोग पुट कर देंगे तो चौदह और प्लस टू कितना हो गया चौदह पंद्रह सोलह चौदह पंद्रह सोलह और सोलह को हम लोग पाँच से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा अस्सी तो ऑप्शन नंबर बीस करेक्ट क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर एटी थ्री नंबर अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दाब वलार आना ठीक है ये केंद्र पाए जाते हैं कहाँ पर तो 83 का सवाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट है पश्च मस्तिष्क में निम्नलिखित में से विषम संख्या को छाटना है तो जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है ब्रुसेल्स बर्बिंगम मैड्रिड और पेरिस इनमें से आपको बताना है कि कौन सा भिन्न है तो वह गाइस भिन्न है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्यों भिन्न है यू बर्मिंगम एक शहर का नाम है जबकि अन्य सभी जो है हमारे वो किसी ना किसी देश की क्या है राजधानी है क्लियर है नेक्स्ट 85 फाइव नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के ध्रवीकरण के लिए आदर्श है तो एट्टी फाइव का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दाब बढ़ाना और तापमान घटाना ठीक अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 86 सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यूरिया का उपयोग किया जाता है किस लिए तो एटी सिक्स का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है उर्वरक के रूप में हम लोग यूरिया का डालते को डालते हैं उस शब्द को चुनिए जो अन्य से भिन्न है इसमें से बताना है कि डिफरेंस कौन है इसमें से तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है फ्रेंड्स क्यों क्योंकि सी जो है वो एक्स वाई जेड भिन्न है क्योंकि एक्स वाई और जेड का जो क्रम है वो लगातार है जबकि अन्य सभी का क्रम जो है वो लगातार नहीं है एम आर टी बी एल एन आई सी ई तो इसका लगातार क्रम है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है नेक्स्ट एक निश्चित कुट भाषा में नौ पाँच दो का अर्थ है वाटर इज हॉट टू जीरो फाइव वन का अर्थ है हॉट मिल्क इज टेस्टी एट फाइव वन का अर्थ है ठीक है शॉप इज टेस्टी तो इसमें शॉप शॉप का अर्थ बताना है कि कौन सा कोड होगा तो एटी एट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा आठ होगा आप लोग इसको बना लेंगे आसान क्वेश्चन है एक लिखिए नौ पाँच और दो इसका कोड है हमारा वाटर इज हॉट ठीक है उसी तरीके से काट के आप लोग जो का जो लास्ट में बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तो नंबर डी करेक्ट हो जाएगा एटी नाइन नाइन नंबर क्वेश्चन पी बराबर एक्स माइनस वन क्यू बराबर एक्स प्लस वन तो आपको बताना है रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा तो एटी नाइन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या जैसे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी उसी तरीके से हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे रूट तो रहेगा ही तो लिख सकते हैं इसको क्यू माइनस पी एक बार और क्यू प्लस पी एक बार ठीक है अब पुट कीजिए जो जो तो दिया हुआ है वैल्यू में ठीक है क्यू प्लस पी यहाँ पर क्या लिखा है पी बराबर एक्स माइनस वन तो इसको मान लीजिए एक्स एक्स माइनस वन टी बराबर एक्स माइनस वन ठीक है तो एक्स माइनस वन और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन ठीक है तो हम लोग सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से रूट अंडर टू एक्स इंटू टू तो कितना हो जाएगा दो जुनी चार एक्स इसका अगर रूट हम लोग निकालेंगे तो टू रूट एक्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बीस करेक्ट क्लियर है नेक्स्ट सवाल नब्बे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको अरेंज करके आपको बनाना है नब्बे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आप लोग देख लेंगे संसद एवं संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है तो इक्यानवे नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है एक अनुच्छेद के अंतर्गत आता है पिंक सारथी योजना किस राज्य से संबंधित है तो बानवे का क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा आंसर ठीक है बानवे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है फ्रेंड्स ये कर्नाटक से संबंधित है दिए गए अनुक्रम में कौन सा चित्र आपको इसमें बताना है क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर क्या होगा ठीक है देखिए हमारा नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री नंबर क्वेश्चन नाइन्टी थ्री नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए अनुक्रम में कौन सा चित्र क्वेश्चन के मार्क्स पर होगा मतलब यहाँ पे क्या होगा पहले देखिए एक काटा पहले एक फिर दो फिर एक दो एक दो, एक, दो और ऊपर से ये तीन तो अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा नाइन्टी थ्री का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ऐसे ऐसे काटा पहले ऐसे किया तो अब इसको ऐसे मिलाएगा ठीक है तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्टी फोर नंबर स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली संस्था कौन सी है तो स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली संस्था जो हमारी है वो है सेबी एस सी बी आई सेबी का फुल फॉर्म फ्रेंड्स क्या होता है आपको पता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और सेबी का मुख्यालय कहाँ है मुंबई में सेबी से, से क्वेश्चन और भी अगर पूछे तो सेबी की स्थापना कब हुई थी तो आप लोग कहेंगे 22 अप्रैल 1988 को ठीक है सेबी को 30 जनवरी 1992 को वैधानिक मान्यता मिली थी और सेबी के द्वारा ही शेयर बाजार पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है तो सेबी से आपका इतना सारा क्वेश्चन बनता है विश्व खाद्य संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है ऑप्शन नंबर नाइन्टी का क्वेश्चन नंबर नाइन्टी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा सात जून को क्लियर है नेक्स्ट सवाल नाइन्टी नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा बताना है आपको दिए गए इसमें से विषम बताना है कैरम क्रिकेट फुटबॉल हॉकी तो फुटबॉल हो गया हॉकी हो गया और क्रिकेट हो गया ये सब आउटडोर गेम है बट कैरम जो है हमारा इंडोर गेम है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ठीक है नाइन्टी सेवन का ऑप्शन मैं उत्तर की दिशा में पंद्रह किलोमीटर चलकर पूरब की ओर मैं उत्तर में पंद्रह किलोमीटर चला उत्तर तो गाइस इधर हो जाएगा क्या चीज़ उत्तर बोल रहा है ना ये हो गया पूरब पश्चिम उत्तर ये हो गया दक्षिण तो बोला है कि मैं उत्तर दिशा में पंद्रह किलोमीटर चलकर उत्तर में कितना गया पंद्रह किलोमीटर गया पंद्रह किलोमीटर चलकर पूर्व की ओर दस किलोमीटर अब यहाँ से यह मुड़ गया दस किलोमीटर चला ठीक है चलता हूँ और फिर मैं पंद्रह किलोमीटर दक्षिण की ओर प्रारंभ स्थल आता हूँ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण फिर वो पंद्रह किलोमीटर आ गया ठीक है तो प्रारंभ स्थल से अब कितनी दूरी पर है पंद्रह गया इधर फिर इधर गया फिर पंद्रह वापस आ गया तो अब कितनी दूरी पे यहाँ से यहाँ तक तो दस है फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर बीस करेक्ट ठीक है नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर नाइन्टी एट नंबर क्वेश्चन आरबीआई के पूर्व डिप्टी कम डिप्टी गवर्नर जिन्हें अपतरीय रुपये रुपये बाजारों पर टास्क फोर्स पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो वो कौन है नाइन्टी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है उषा थोराट भूटान संयुक्त तो राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ तो नाइन्टी नाइन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है उन्नीस सौ सत्रह में नेक्स्ट सवाल मिरर से आपका क्वेश्चन है इसको बोलते हैं मिरर इमेज अगर मिरर इमेज में यहाँ पर सात बजने में दस मिनट बाकी है जो भी हो तो इसको अगर हम लोग ऐना में देखेंगे तो कैसा दिखेगा ठीक है तो आसान है ये तो यहीं रहेगा गाइस ये हमारा चेंज हो जाएगा दस पे चला जाएगा ठीक है देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर वन हंड्रेड का आंसर हो जाएगा सी ठीक है क्योंकि ये इधर है तो ये वाला इधर बनेगा सॉरी ये यहाँ पर है यहाँ है तो ये यहाँ बनेगा और इधर से ये यहाँ बनेगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन किस में है सी में ऑप्शन नंबर सीज करेक्ट ठीक है नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर एक सौ एक नंबर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार भ्रंश घाटी में से बहती है तो एक सौ एक का ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा इसको अब कंप्लीट करना है फ्रेंड्स तो बताएंगे यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन को यहाँ पे रखें जो पूरी तरीके से ये कंप्लीट हो जाए पहली बात तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी हमारा प्लस होगा तो प्लस सभी में है और ऐसा वाला चिन्ह सिर्फ सबसे अच्छा आपको देखिए ऐसा वाला कहाँ दिख रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा ठीक है पलट के तो ऐसा वाला हमको सिर्फ दिख रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी में ठीक है आप लोग देख सकते हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन एक सौ तीन नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर बताना है आपको क्या होगा इसका आंसर निम्नलिखित में से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं तो ये क्वेश्चन 2020 का है करंट अफेयर से तो उस समय इस, इसरो के अध्यक्ष 2020 में कौन थे के सी वन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है ए सी एन ई का कोड ये लिखा है तो बॉयल का कोड क्या होगा 104 का जिस प्रकार से ए सी एन ई का जो कोड दिया हुआ है फ्रेंड्स वैसे देखिए अगर एक की हम लोग बात करें तो ध्यान से समझेंगे आप लोग क्या है ए सी एन और ई e है ए का कोड कितना वन होता है सी का तीन एन का चौदह और ई e का पाँच ठीक है लेकिन यहाँ क्या क्या है तीन सात उनतीस और ग्यारह तो एक है तो अगर हम एक को दो से गुना करते हैं दो एकम कितना होता है दो और प्लस कर देते हैं अगर एक तो यहाँ पे आ गया तीन उसी तरीके से अगर हम तीन को दो से गुना करते हैं तो तीन दुनी छः और प्लस कर देते हैं एक तो यहाँ पे आ गया सात चौदह को दो से गुना कीजिए चौदह दुनिया अट्ठाईस और एक प्लस कीजिए तो आ गया उनतीस पाँच को दो से गुना कीजिए पाँच <laughs> पाँच दूनी दस और एक आ गया ग्यारह गया गया, समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको अब इसी तरीके से आपको बॉयल को करना है ठीक है तो लिख लीजिए यहाँ पे बी ओ आई एल बॉल बी का कोड कितना होता है दो ओ का होता है पंद्रह आई का होता है नौ और एल का कितना होता है बारह अब इसको डबल करना है एक जोड़ना है दो दू दूनी चार और एक पाँच पंद्रह दूनी तीस और एक इकतीस नौ दूनी अठारह और एक उन्नीस और बारह दूनी चौबीस और एक पच्चीस ये कोड कितना है वही देख लीजिए इसका आंसर पाँच इकतीस पांच इकतीस उन्नीस पच्चीस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्लियर है नेक्स्ट एक सौ पांच नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है तो एक सौ पांच का आंसर देना है आपको क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कोयला अब यहाँ एक सौ छ नंबर को आपको मैच कराना है फ्रेंड्स ठीक है तो फर्स्ट का आप लोग मैच कराइए आई टू आई टू वाइट आई डू ठीक है आई आई डू वाट आई डू वॉट आई डू इसका लेखक कौन है रघुराम राजन तो फर्स्ट का हो जाएगा सी माई कंट्री माई लाइफ तो दो का हो जाएगा एल के अडवानी तो इसका हो जाएगा डी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू तो इसका हो जाएगा बी इम्परफेक्ट इसका हो जाएगा तो ये संजय मांजरेकर तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट सवाल 107 नंबर सफ़ेद सोना सोना से संबंध है तो पीला किससे संबंध होगा तो पीला हो जाएगा तांबा से संबंध क्योंकि तांबा पीला होता है नेक्स्ट सवाल 108 नंबर दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका मध्य अनुपात चौबीस है और तृतीय अनुपात पंद्रह छत्तीस है तो आपको निकालना है दो संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग तो मध्य अनुपात चौबीस दिया हुआ है तो मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर एक्स वाई बराबर चौबीस ठीक है तो यहाँ से अगर हम लोग एक्स और वाई निकालेंगे तो चौबीस पे ये रूट रूट हटेगा तो यहाँ स्क्वायर जाएगा तो एक्स और वाई का वैल्यू मेरा कितना निकल गया पाँच सौ छिहत्तर ठीक है अगर यहाँ से सिम में एक्स का वैल्यू निकालूँ तो पाँच सौ छिहत्तर बटा वाई हम लोग लिख सकते हैं क्या बिल्कुल लिख सकते हैं ठीक है थीके? तो हमारा क्या आया था फ्रेंड्स एक्स बराबर हम लोग कितना लिखे थे पाँच सौ छिहत्तर बटे वाई लिखे थे ठीक है अब देखिए अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x इज टू वाई डायरेक्टली प्रपोर्सन टू y इज टू पंद्रह सौ छत्तीस क्योंकि तृतीय अनुपात इतना दिया हुआ है ठीक है तो अब इसको हम लोग बनाते हैं तो इसको ऐसे कर सकते हैं x बटे वाई बराबर इतना बटे वाई ये एक्स बटे वाई और y बटा इतना ठीक है वाई ऊपर जाएगा ये इतना आएगा नीचे अगर उस तरीके से हम लोग करें तो वाई इस बराबर हमारा निकल जाएगा थोड़ा सा लंबा जाएगा दोस्त ठीक है तो आपको देख लेना है इस तरीके से अगर आप लोग बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या चीज छः और छियानवे ऑप्शन नंबर बीस करें इंसुलिन तथा तो ग्लूकोग हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है तो एक तो का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका अग्नाशय से एक नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चिकित्सक भारतीय एवं आदमी के मध्य संबंध को दर्शाना है एक सौ दस का तो आप लोग ऐसे बता सकते हैं कि कुछ आदमी चिकित्सक होगा और कुछ आदमी और चिकित्सक भारतीय भी तो होंगे तो ऐसा वाला रिलेशन किस में बनाया डी में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है नेक्स्ट सवाल एक सौ ग्यारह नंबर आठ के प्रथम पंद्रह गुणकों का औसत बताना है तो आठ के प्रथम पंद्रह गुनाको ऑफ और प्रथम पंद्रह गुनाकों का औसत अगर निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे ठीक है आठ वन प्लस वन प्लस एन तो एन में हमारा लास्ट टंक पंद्रह बटा टू पंद्रह और एक सोलह दो चौक आठ और सोलह चौक चौसठ ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट पैसों लिखित में से किस देश की मुद्रा है तो पैसों किस देश की मुद्रा है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है फिलीपींस की ठीक है एक सौ तेरह नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर फटाफट आपको आंसर देना है ये रहा बताइए क्या होगा इसका आंसर एक सौ तेरह का अक्टूबर दो हजार बीस में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता तो एक सौ तेरह का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जेसिंडा आर्डेना ने एक निश्चित कुट भाषा में रिजल्ट को दो पाँच जीरो वन सेवन, सेवन सिक्स लिखा है तो लेट को क्या लिखेगा ठीक है एक सौ चौदह एक सौ चौदह नंबर सवाल क्या लिखा है दो पाँच जीरो वन सेवन सिक्स को दो पाँच जीरो वन सेवन सिक्स को ये लिखा है तो इसी में से हम लोग निकाल लेते हैं एल एल का कोड क्या है सेवन है ई का कोड क्या है एक दो ई का कोड पाँच है और टी का कोड क्या है छः है तो ये वाला ऑप्शन में है क्या है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नेक्स्ट सवाल क्या है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा जो था वो रे था ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट ठीक है इनमा जेब एन इन माजेब किस रोग की पहली दवा है आपको बताना है एक का इनमा जो है वो किस रोग की पहली दवा है तो एक का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ठीक है इरोला वायरस सी डी ई e, तो अगला क्या हो जाएगा एफ एफ जी एच आई जे के एल एफ के बाद एल ऑप्शन नंबर में ई है ई है ई कट गया ई कट गया तीसरा चेक कीजिए आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एफ एल के बाद क्या होना चाहिए आर होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट सवाल राज्यों के स्थापना वर्ष क्रम के अनुसार आपको सजाना है एक सौ अठारह का ठीक है तो देखिए अगर इससे देखें तो पहले मणिपुर फिर मिजोरम फिर छत्तीसगढ़ फिर तेलंगाना ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट जंतुओं में होने वाला फुट एवं माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है 119 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है विषाणु के कारण 120 प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है 10 कहीं है तो आप लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं भाज्य संख्या जो दो से कटे दो, दो से ना कटे तो प्रथम दस अभाज्य संख्या बोला है तो प्रथम दस अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस तेईस और ये उनतीस दस का तो दस से भागा दे देंगे सबको जोड़िए और दस से भागा दीजिए सबको जोड़ेंगे आप तो एक सौ उनतीस आ जाएगा दस से भागा देंगे तो बारह पॉइंट नाइन ना आएगा तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट क्लियर है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है नाइट्रस ऑक्साइड हमारी एन एन टू ओ एन टू ओ जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट ठीक है एन टू ओ नाइट्रस ऑक्साइड होता है ना हंसाने वाला गैस नेक्स्ट सवाल माँ के दूध में पाए जाने वाली प्रतिरक्षी होती है क्या तो एक सौ बाईस का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा ए जी ए जी ए का मतलब होता है अल्फा ठीक है नेक्स्ट सवाल एक सौ चवालीस का संबंध तेईस से है तो एक सौ उनहत्तर का संबंध किस से होगा तीन 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 दुनी छः और छः दुनी बारह का स्क्वायर एक सौ चवालीस ठीक है, है? यहाँ तेरह का स्क्वायर है एक सौ उनहत्तर फ्रेंड्स तो आपको कैसे बताना है वो बताइए देखिए एक सौ चवालीस है ना तो एक सौ चवालीस मतलब क्या बारह ठीक है और बारह को आप गुना कीजिए दो से बारह दुनिया कितना हो गया चौबीस और माइनस कर दीजिए एक तेईस आ गया अब उसी तरीके से अगर हम लोग बनाए एक सौ उनहत्तर का ठीक है एक सौ उनहत्तर कित होता है तेरह का तेरह का दो से गुना कीजिए तेरह दूनी छब्बीस और छब्बीस में से क्या कीजिए छब्बीस में से उसमें क्या कहते हैं एक माइनस किए थे तो इसमें भी एक माइनस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा पच्चीस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ठीक है नेक्स्ट सवाल एक सौ चौबीस नंबर महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध करवाने वाली योजना कौन सी है तो 124 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा महिला समृद्धि योजना अठारह सौ का साधारण ब्याज 9 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक साढ़े सात परसेंट प्रतिवर्ष की दर से कितना होगा तो 9 मार्च 2019 से 21 20 मई 2019 के बीच में सबसे पहले आपको दिखाना है कि कितना दिन हुआ ठीक है तो कितना दिन हुआ तो यहाँ पर अगर हम लोग जोड़ के निकालें तो टोटल तिहत्तर दिन हो जाएगा ठीक है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है पी गुने टी गुने आर बटे सौ ठीक है फ्रेंड्स तो देखिए अगर हम लोग इस पर बैठाएँ तो अठारह सौ बीस गुने ठीक है अठारह सौ बीस गुने हमारा कितना नौ मार्च इतना से तिहत्तर दिन आया तो तिहत्तर दिन गुने कितना है साढ़े सात परसेंट सात दिन चौदह और एक पंद्रह बटा दो हम लोग लिख सकते हैं क्या ठीक है तो इसको लिख दीजिए आप लोग पंद्रह बटे दो गुना कीजिए पी गुने टी गुने आर आर कितना है तिहत्तर रेट यही ना होगा तो तिहत्तर मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे ईयर में तो तीन सौ पैंसठ से ठीक है और बटे सौ कर देंगे हम लोग तो ये बन गया हमारा यहाँ से सीधा निकल जाएगा हमारा क्या एस आई तो इसको अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एस SI आई निकल जाएगा सत्ताईस पॉइंट तीन तीस तीन जीरो ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका क्लियर है इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग एक सौ छब्बीस नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर किस प्रधानमंत्री द्वारा तिहत्तरवां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था तो एक सौ छब्बीस का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा पी वी नरसिम्हा राव के द्वारा नेक्स्ट सवाल एक सौ सत्ताईस नंबर क्वेश्चन बोला है कि जैसे इसको पहले क्या किया इसको ऐसे क्लॉक वाइज़ घुमाया फिर इसको क्लॉक वाइज घुमा दिया अब फिर इसको क्लॉक वाइज घुमाएगा ठीक है तो ये वाला ऊपर चला जाएगा ये वाला नीचे आ जाएगा तो उस प्रकार से आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट सवाल एक सौ अट्ठाईस नंबर क्या कहता है एक विद्यालय की कैंटीन लंच के रूप लंच के बीस रुपये तथा दूध के चार रुपये प्रतिदिन चार्ज करती है रमेश को पाँच दिन के लिए इन चीज़ों की कितनी राशि खर्च होगी आसान है बीस रुपये तो बीस पचे कितना हो गया सौ पाँच दिन का चार रुपये तो पाँच दिन का चार पचे कितना हो जाएगा बीस दोनों को जोड़ देंगे तो 120 ऑप्शन नंबर 128 का हो जाएगा सी क्लियर है राजा रवि वर्मा कौन थे एक का ऑप्शन नंबर ए सही है ये चित्रकार थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या था तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है अति सिंचाई के लिए सिंचाई हुआ था इसके कारण शेर लोमड़ी और मांसाहारी में आपको बताना है रिलेशन तो देखिए मांसाहारी के अंदर हमारा शेर भी आएगा लोमड़ी भी आएगा तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट एक नंबर तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो सात से गुनज हो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो क्या है सात से कटने वाला हो तो सात से कटने वाला आपको बस इसमें क्या कर लेना है चेक कर लेना है तो अगर हम लोग ओ, सी को चेक करते हैं तो चेक कैसे करते हैं आपको सात का डिविजल पता होना चाहिए नाइन नाइन फोर है सबसे पहले क्या कीजिए फर्स्ट वाला को चार दो से गुना कीजिए चार दुनी आठ और इसको इससे घटाइए नौ में से आठ गया तो एक और यहाँ पे आ गया इक्यानवे अब देखिए क्या इक्यानवे हमारा सात से कटता है क्या तेरह सतह इक्यानबे कट रहा है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर एक नंबर क्या कहता है दो संख्याओं में से छोटी संख्या बड़ी संख्या का दो तिहाई है और इनका योग साठ है तो बड़ी संख्या आपको निकालना है मान लेते हैं कि बड़ी संख्या निकालना है तो बड़ी संख्या को हम लोग ले लेते हैं x ठीक है तो छोटी संख्या क्या बोला है दो तिहाई है तो इसका दो तिहाई क्या हो जाएगा टू एक्स बटा तीन और इनका योग बराबर कितना दिया हुआ साठ तीन एकम तीन और दो पाँच एक्स बटा साठ बटा तीन और बराबर साठ क्लियर है बारह पच्चीस साठ और बारह दिया छत्तीस एक्स का वैल्यू निकल गया हमारा छत्तीस ठीक है तो क्या निकालना है बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या को एक्स माने थे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा छत्तीस ठीक है नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर एक नंबर निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमिज सम्मेलन में भाग लिया था तो एक का ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट है कि बी आर अम्बेडकर ने नेक्स्ट फिर से आपको मैच कराना है फ्रेंड्स मैच कराइए नहीं कौन सा सुमेलित नहीं होगा बताना है तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो जीवी वी थे नहीं यही तो गलत हो जाएगा बाकी सही है भारतीय प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर और संघीय संग्य शक्ति संबंधित समिति जवाहरलाल नेहरू ठीक है नेक्स्ट हमारा एक भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई थी एक का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दो से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर एक नंबर सवाल निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से पुरस्कृत किया गया था एक सौ सैंतीस का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा राजेंद्र राजेंद्र कुमार जोशी को एन ए एल का दर्पण प्रतिबिंब बताना है एन ए एल का अगर हम लोग आईना में देखें तो कैसा दिखेगा तो कुछ इस प्रकार से देखेगा ठीक है एन हमारा ऐसे दिखेगा ए तो ऐसे ही रहेगा और एल हमारा इस प्रकार से हो जाएगा देखिए ऐसा क्वेश्चन कहाँ दिख रहा है तो 138 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना है इसको मैच करवा देना है ठीक है तो कैसे मैच करवाएंगे आप लोग पहले ऐसे और इस प्रकार से मैच करवाइए देखिए किस में हो जाएगा एक का ध्यान से आप लोग देखेंगे तो ये बन जाएगा एक का ऑप्शन नंबर डी हमको करेक्ट है नेक्स्ट सवाल 140 का निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है तो 140 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा चिकन पॉक्स छोटी माता जिसको हम लोग बोलते हैं एक नंबर सवाल बहुत ही आसान सा क्या बोला है एक्स का वाई परसेंट होगा तो कैसे बनाएंगे हम लोग इस एक्स का वाई परसेंट होगा मतलब एक्स वाई बटा हंड्रेड एक्स वाई बटा हंड्रेड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है एक सौ बयालीस ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है जर्मनी में गंधार कला शैली किसका मिश्रण है 143 का एक का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का नेक्स्ट सवाल सॉरी इंडो ग्रिक का ग शैली इंडो ग्रिक का नेक्स्ट सवाल एक नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा क्या हो जाएगा 0.9 ग्राम जल में कितने मोल हाइड्रोजन और कितने मोल ऑक्सीजन के परमाणु होंगे एक सौ चौवालीस का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ठीक है ए डी का भाई है डी बी का पिता है बी और सी बहने कि सी का ए से क्या संबंध है बना लेंगे आप लोग आसान क्वेश्चन है है ठीक ब्लड रिलेशन का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बहुत ही आसान है फ्रेंड्स एक सौ छियालीस नंबर सवाल हम लोग देखते हैं बोल रहा है आपको कि निम्न घटनाओं का व्यथा कर्म को अरेंज करना है तो एक का एस यही है पहले लखनऊ समझौता हुआ था फिर असहयोग आंदोलन फिर साइमन कमीशन और फिर सविनय अवज्ञा ठीक है इसका ईस्वी इस आपको याद रखना है तो आप लोग इसको अरेंज कर लेंगे एक बार रिवीजन लखनऊ समझौता कब हुआ था 1916 में असहयोग आंदोलन कब हुआ था 1920 में साइमन कमीशन गठन कब आया था 1927 में ठीक है और हमारा सविनय अवज्ञा 1928 में अरेंज कर लेंगे सविनय अवज्ञा उन्नीस में ठीक है जीरो पॉइंट सेवन फाइव का क्यूब क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव का आपको क्या करना है इसका क्यूब रूट करना है तो जब हम लोग इसको क्यूब रूट करेंगे तो क्या होगा इसका आंसर एक सौ सैंतालीस का आसान है देखिए सबसे पहले क्या कीजिए आप लोग पॉइंट हटाइए और नीचे सौ कीजिए काटिए इसको तो पच्चीस दिया पचहत्तर और पच्चीस चौका सौ मतलब तीन बटा चार तीन का क्यूब कर दीजिए चार का क्यूब कर दीजिए तीन तीन नौ नौतीहिया सत्ताईस और चार चक सोलह सोलह चौंसठ ऑप्शन नंबर बीस करेक्ट नेक्स्ट सवाल एक सौ अड़तालीस नंबर आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि संख्या श्रेणी में अगला अंक बताना है एक दो नौ चार पच्चीस और छः ठीक है एक दो नौ चार पच्चीस और छः एक सौ अड़तालीस कैसे बनाएंगे देखिए एक का स्क्वायर एक एक के बाद दो नहीं फिर तीन का स्क्वायर चार के बाद पाँच का स्क्वायर तो अबर छः के बाद सात का स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जीरो पॉइंट टू सेवन का ऊपर में बार दिया है तो हम लोग क्या करते हैं कि सत्ताईस लिखते हैं और जितना बार रहता है उतना हम लोग क्या करते हैं दो गो नाइन बिठाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और आज का इस सेट का सबसे लास्ट सवाल क्या कह रहा है किस घटना से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट हुड की उपाधि त्याग दी थी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जालियावाला बाग हत्याकांड तो फ्रेंड्स आज हमारा सेट नंबर लास्ट था ये मनी पब्लिकेशन से हमारा टेन क्वेश्चन टेन सेट का ये लास्ट क्वेश्चन और ये सेट हमारा आज कंप्लीट हो गया ठीक है तो आपको बस सारा सेट अच्छे से रिवीजन कर लेना है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नया लेकर आएंगे ठीक है उसको भी आप लोग को देखना है ठीक तो आज के लिए इतना ही सेवा समाप्त मिलते हैं फिर हम लोग कल वीडियो कल की क्लास में और एक कुछ नया लेकर तब तक के लिए आप लोग चैनल पे बने रहें वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को क्लिक कर लें ठीक है और बीएसएससी सेट छोड़कर मेरा और भी कुछ हमारे वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होता है ठीक है जिसमें से हम लोग टेन मिनट का वॉकअप शो चलाते हैं फ्रेंड्स उसको भी आप लोग देखेंगे जो कि एस एस सी सी जी एल सी एच एस एल एम टी एस के लिए इम्पॉर्टेंट है और हमारा एक फ़ाइव हंड्रेड का सेट फाइव हंड्रेड का प्रीवियस ईयर सेट चल रहा है जिसमें मैं मिक्स क्वेश्चन लेकर आता हूँ और बहुत सारे वीडियो का प्ले में लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप लोग वहाँ से देख सकते हैं ठीक है तो कैसी लगी वीडियो कॉमेंट करके बताएँगे आप लोग मिलते हैं कल कुछ नया लेकर आएंगे ठीक है तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर अ नाइस डे एंड गुड नाइट बाय बाय फ्रेंड्स राधे राधे